हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपके फैमिली में कैसे हैं? हम आशा रखते हैं कि आपके फैमिली मेंबर भी बहुत अच्छे होंगे। मैं सूरज सर आपके सामने फिर से लाइव आ गया हूं। मिथिलेश कुमार, करण कुमार बहुत सारे अभी जुड़ भी रहे हैं लाइव में। आप लोग भी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। बुलबुल कुमारी और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर सकूं। सिमरन गुप्ता, गुड आफ्टरनून। अजीत कुमार, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। सबको गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने पिछले क्लास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखा था, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आप किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। और एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू। आप किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हम पहला वाला थ्री टू बाय थ्री ऑर्डर का लिए और दूसरा वाला टू बाय टू ऑर्डर का लिए, मतलब दूसरा वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप किसी भी ऑर्डर का ले, आप आपको पता चल जाएगा। चलिए हम लोग ए बी का वैल्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो चेक करते हैं क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। पिछले क्लास सीखे थे, आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ए बी को चेक करने के लिए पहले हमको ऑर्डर चेक करना होता है। ये आपका टू बाय थ्री ऑर्डर का है और ये आपका टू बाय टू ऑर्डर का है। तो आपको सिखाया गया था ए और बी, अगर ए बी निकालना है तो ए का कॉलम और बी का रो देखते हैं, तो मतलब बीच वाला हम लोग देखते हैं। अगर इक्वल है तो ए बी निकलेगा, अगर इक्वल नहीं है तो ए बी नहीं निकलेगा। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ ए बी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ आपका ए बी नहीं निकलेगा। सिमिलरली हम लोग अगर बी ए का बात करें तो देखते हैं बी ए निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो या हम बी ए लेते हैं, बी ए का वैल्यू बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन और बी टू टू। उसके बाद ए का वैल्यू ले, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री। ये आपका बी जो है वो आपका टू बाय टू ऑर्डर का है और आपका ए टू बाय थ्री ऑर्डर का है। तो आपको चेक करना है बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो आपको देख लेना कि बीच वाला इक्वल है, मतलब पहला का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा का नंबर ऑफ रो। तो यहां दिख रहा है आपका दोनों इक्वल है, इसीलिए आपका यहाँ बी ए एग्जिस्ट करेगा, इसमें ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको पिछले क्लास ही सिखाया गया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कभी एग्जिस्ट करता है, वो कभी नहीं करता है, कभी दोनों करता है, कभी दोनों नहीं करता। आज भी बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे।
दोनों जनरली ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है बाय चांस। आज हम लोग वैसा सवाल भी देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आपको सिखाया गया था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो पहले का रो इस्तेमाल करते हैं और दूसरे का कॉलम इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बी ए का वैल्यू निकालते हैं। अब जो यहां एलिमेंट निकलेगा वो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या करें कि पहले के रो का काम दूसरे के कॉलम के साथ करें। अब यहां पहले का पहला रो और पहले दूसरे का पहला कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां आपको दिख रहा है पहला रो और इसमें पहला कॉलम। अब मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आपको सिखाया गया था मल्टीप्लाई करने के लिए कि रो को वर्टिकल करते हैं और सामने में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। रो को वर्टिकल करके आमने सामने मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहां आप इस रो को इस कॉलम के सामने करिएगा तो आपको B11 A11 के सामने में दिखेगा। तो B11 आपका A11 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस B12 आपका A21 के सामने में दिखेगा। तो B12 आपका A21 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका पहला रो का काम इसके पहले कॉलम के साथ आपका हो गया। इसके बाद आता है इसका पहला रो इसका दूसरा कॉलम। इसका पहला रो इसका दूसरा कॉलम के पास गया, सिमिलरली फिर से ये रो वर्टिकल हो गया, सामने मल्टीप्लाई हो गया। तो पहला रो का काम दूसरे कॉलम के साथ यहां लिख रहे हैं। तो B11 आपका A12 के सामने में दिखेगा। तो B11 A12 प्लस B12 आपका A22 के सामने में दिखेगा। तो B12 A22। अब पहला रो का काम तीसरे कॉलम के साथ करेंगे, सिमिलरली रो को वर्टिकल करेंगे और आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां आपका दिखेगा B11 A13 प्लस B12 A23। अब इसका पहला रो का काम खत्म हो गया, अब दूसरे रो का काम करेंगे। तो दूसरा रो पहले कॉलम के पास गया, तो आपका B21 A11 प्लस B22 A21। अब दूसरा रो दूसरा कॉलम के पास गया, तो B21 A12 प्लस B22 A22। अब दूसरा रो का काम तीसरे कॉलम के साथ, तो यहां लिखते हैं B21 A13 प्लस B22 A23। इस प्रकार से आप बी ए का वैल्यू निकालिए। अब तीसरा रो है ही नहीं तो यही आपका बी ए का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को जो पिछला क्लास पढ़ाया गया था आप ये सब कर चुके होंगे, आप क्वेश्चन बना चुके होंगे। चलिए देखते हैं, करण कुमार, हाँ मैं 3 बजे एग्जैक्ट लाइव आने का कोशिश करता हूँ, कभी कभार प्रॉब्लम हो सकता है 1-2 मिनट का। स्वाति श्री, गुड आफ्टरनून, सबको गुड आफ्टरनून। हाँ सबको समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप लोग बनाए सवाल, सब लोग क्वेश्चन बनाए। चलिए ठीक है, तो आपको ए बी और बी ए कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं एग्जिस्ट करेगा और अगर एग्जिस्ट करता है तो कितना निकलेगा आप ये पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन है सो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, वेयर ए का वैल्यू दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है। आपको सिखाया गया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी और बी ए आपका इक्वल नहीं होता, ए बी और बी ए आपका इक्वल नहीं होता, लेकिन कभी कभार बाय चांस
कुछ क्वेश्चन ऐसा सेटिंग होता है जिसमें ए बी और बी ए हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता, कभी कभी बाय चांस हो जाता है, तो यहाँ वैसा क्वेश्चन ही सेटिंग रहता है। तो यहाँ आपको दिखाना है कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल है, तो चलिए हम लोग ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ध्यान रखिए यहाँ ये भी 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का, इसको सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोले, कैलकुलेट होकर के आपका 2x2 ऑर्डर का ही आएगा। चलिए ए बी निकालते हैं, तो ए बी का वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, बी का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए बी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास गया तो कॉस थीटा वर्टिकल किए सामने में मल्टीप्लाई किए, तो आपको दिख रहा होगा कि कॉस थीटा कॉस अल्फा के सामने में दिख रहा है, तो कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अगला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास गया तो कॉस थीटा साइन के पास दिखेगा, तो माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, दूसरा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा। अब दूसरा रो पहले दूसरा रो का काम करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम के पास गया तो यहां से आपको साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा। अब दूसरा रो दूसरे कॉलम के पास गया तो साइन माइनस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा। चलिए आपका ए बी कैलकुलेट हो गया। अब क्या करते हैं, आपको कुछ फॉर्मूला याद दिखता होगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा। अब पढ़े कॉस ए माइनस सॉरी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहाँ आपको कॉस थीटा प्लस अल्फा दिखता होगा। सिमिलरली दूसरे पहला रो दूसरे कॉलम में दिखता है कि आप दोनों यहाँ माइनस है तो दोनों का माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये भी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दिखता है। सिमिलरली यहाँ भी दूसरा रो और पहला कॉलम में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यहां भी फॉर्मूला दिख रहा है। और यहां भी आप इसको थोड़ा उल्टा करके देखें, पहले कॉस वाला फिर साइन वाला, क्योंकि प्लस यह है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, एक नए स्लाइड में चले जाता हूं। थोड़ा स्पेस यहां कम दिख रहा है तो मैं क्या करता हूं, साइड में ही ए बी का वैल्यू लिख दे रहा हूं। ए बी आपका कैलकुलेट होकर के आ गया निकला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां आपको दिख रहा है ए बी का वैल्यू कॉस थीटा प्लस अल्फा। अगला आपका यहां दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दोनों प्लस हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आपका दोनों प्लस हो गया। उसके बाद आप देखिए ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो यहां से आपका हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा। दूसरा आपका यहां दिख रहा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहां आप लिखें
साइन थीटा प्लस अल्फा। अगला आपका दिख रहा है, अब इसको उल्टा पढ़े, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो आपका यहां हो गया कॉस ए प्लस बी या मतलब थीटा प्लस अल्फा। तो यहां से आपका ए बी का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन वन दे देते हैं। हमको ध्यान रखिए प्रूव करना है ए बी और बी ए इस सवाल में इक्वल है, तो अब हमको ए बी का वैल्यू निकल गया। सिमिलरली अगर आप बी ए का बात करें तो चलिए बी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान रखिए क्वेश्चन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो बी ए का वैल्यू निकाल रहे हैं। बी ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ए का वैल्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। बी ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉस माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। अगला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा। फिर से आप देखिए आपको फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी यहां अल्फा प्लस थीटा है, तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू b प्लस ए के इक्वल होता है। तो आप क्या करें कि आपको जल्दी बनाना है, तो आप डायरेक्ट अल्फा प्लस थीटा को थीटा प्लस अल्फा लिख दें, तो यहां हम लोग लिख दे रहे हैं थीटा प्लस अल्फा। सिमिलरली यहां माइनस कॉमन ले लीजिए, तो दोनों आपका प्लस हो गया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो थीटा प्लस अल्फा। यहां भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो थीटा प्लस अल्फा।
आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है। हाँ थोड़ा साउंड बैटरी में प्रॉब्लम आ गया था, बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। सब लोग को आवाज जा रहा है अब? चलिए ठीक है। तो आप यहां देखिए इक्वेशन नंबर वन में AB का वैल्यू cos थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा और cos थीटा प्लस अल्फा। उसके बाद यहां से BA का वैल्यू देखिए सिमिलरली cos थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा और cos थीटा प्लस अल्फा। यानी आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से बोलते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ AB और BA का जो वैल्यू है वो सेम है। तो आपको यहां दिया गया था प्रूफ करने की AB और BA का जो वैल्यू है सेम आ रहा है, आपका ये प्रूव हो गया। ध्यान रखिएगा कि हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी आप वैसा क्वेश्चन सेट रहता है जिसमें AB और BA इक्वल हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के पास जाते हैं, चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेरीफाई दैट ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, वेयर ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए यहां कि जो प्रूव करने दिया है कि ए बी ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यहां ऑर्डर ए का चेंज नहीं किया है, दोनों में ए दो बी और सी के लिए दोनों के लिए ए पहले है। तो जो प्रूव दैट में है वो ए भी पहले और सी के भी पहले ए है। तो ऐसे क्वेश्चन में ऑर्डर चेंज नहीं करना, अगर गलती से लिख दिया तो आप सुधार लीजिएगा। तो अभी हमको प्रूव करना है ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। चलिए प्रूव करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। तो पहले आप a का वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4, उसके बाद आपका b प्लस सी है तो b का वैल्यू 2 0 1 माइनस 3 प्लस सी, सी का वैल्यू 1 माइनस 1 0 1। अब आपका हो गया 1 2 3 4। अब आपको सिखाया गया था मैट्रिक्स का एडिशन की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जोड़ते हैं, तो 2 आपका 1 के सामने में ऐड हो गया तो 3 हो गया, 0 माइनस 1 तो -1 1 0 1 और -3 और 1 तो -2। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो यहां आप मल्टीप्लाई करें 1 3 के सामने में दिखेगा, 2 आपका 1 के सामने में दिखेगा, तो 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 1 तो आपका 2। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास गया तो 1 इंटू -1 तो -1 और 2 इंटू -2 तो -4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 1 तो आपका 4। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम तो -3 और सेकेंड रो और 4 इंटू -2 तो -8। अब आपका a इंटू बी प्लस सी का वैल्यू आपका निकल गया, आप कैलकुलेट करके लिख दीजिए 3 2 5 -1 और 4 -5 9 4 13 और -3 -8 -11। तो आपका AB का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब क्या करें, आप BA का वैल्यू कैलकुलेट करें, सॉरी AB प्लस AC का वैल्यू हम लोग अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो चलिए यहां AB का A का वैल्यू 1 2 3 4, ध्यान रखिए 1 2 3 4, बी का वैल्यू 2 0 1 माइनस 3
0, 1 minus 3. और C का वैल्यू 1 minus 1, 0, 1. वन माइनस वन जीरो वन, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, वन माइनस वन जीरो वन. चलिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी प्लस ए सी का वैल्यू निकाल रहे हैं, वन इंटू टू, तो टू प्लस टू, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो जीरो माइनस सिक्स, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सिक्स प्लस फोर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो जीरो माइनस ट्वेल्व. अब दूसरे को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वन प्लस टू इंटू जीरो, तो जीरो आप पहला रो दूसरे कॉलम के पास गया, तो वन माइनस वन के सामने में दिखेगा, टू वन के सामने में दिखेगा. अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के पास गया, तो थ्री प्लस फोर जीरो के सामने में दिखेगा, मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा. अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस थ्री प्लस फोर. अब सबको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ए बी प्लस ए सी इज्क्वल टू, ये आपका टू और टू फोर, माइनस सिक्स टेन और माइनस ट्वेल्व, प्लस ए सी का वैल्यू वन वन थ्री वन. अब दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, यहां एडिशन दिया हुआ है, फोर वन फाइव, माइनस सिक्स वन माइनस फाइव, टेन और थ्री थर्टीन, माइनस ट्वेल्व प्लस वन, तो माइनस इलेवन. तो आप देखिए कि ए इंटू बी प्लस सी का वैल्यू फाइव माइनस फाइव थर्टीन और माइनस इलेवन, ए बी प्लस ए सी का वैल्यू फाइव माइनस फाइव थर्टीन और माइनस इलेवन. तो आपका यहां से प्रूव हो गया, ए इंटू बी प्लस सी इज्क्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आपका प्रूव्ड हो गया. तो इस तरह का सवाल ऐसे ही करते हैं, जो जिधर रहता है ऑर्डर चेंज नहीं करते मल्टीप्लाई करते समय, ध्यान रखिएगा, तो इस टाइप का आपसे सवाल सारा का सारा बन जाएगा. सबको समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए क्या प्रॉब्लम आ रहा है. स्वाति श्री, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बोलिए. चलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा, सब लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज्क्वल टू ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, सो दैट ए स्क्वायर इज्क्वल टू, मतलब ए स्क्वायर ए मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो आपका नल मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, उसका वैल्यू. तो चलिए हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं. ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने का मतलब होता है ए को दो बार मल्टीप्लाई करना. ए स्क्वायर इज्क्वल टू ए इंटू ए, अब सबका वैल्यू रख रहे हैं, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर से ए का वैल्यू रख दीजिए, ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी. चलिए आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर इज्क्वल टू, सिमिलरली हम लोग रो और कॉलम का इस्तेमाल करके मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए बी ए बी के सामने में दिखेगा, ए बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर. अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के पास गया, ए बी बी स्क्वायर के सामने में दिखेगा, ए इंटू बी क्यूब
और बी स्क्वायर इसके सामने में दिखेगा तो माइनस ए इंटू बी क्यूब। चलिए अब आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के सामने में गया तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, तो माइनस ए क्यूब बी और माइनस और प्लस, माइनस प्लस ए क्यूब बी। अगला आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पास तो माइनस 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ए बी का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों इक्वल है, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे जीरो आ जाएगा। ए बी क्यूब माइनस ए बी क्यूब इसका भी वैल्यू जीरो, ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब बी प्लस ए क्यूब बी जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऐड करने पर जीरो, और आपको दिख रहा है कि चारों एलिमेंट जीरो है, मतलब ये एक नल मैट्रिक्स और इसी को हम लोग ओ लिखते हैं। तो आपका यहाँ प्रूव हो गया कि नल ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है, प्रूव्ड। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, बहुत लोग समझ अच्छे से समझ रहे हैं। अब आपका आता है एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस टू आई। इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं? इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबका वैल्यू रखते हैं। तो आपको इक्वेशन दिया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस टू आई, वेयर के इज आर स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ के, वो एक स्केलर क्वांटिटी यानी एक नंबर है, तो हमको यहाँ के का वैल्यू निकालना है। इधर लेफ्ट साइड ए स्क्वायर दिया, मतलब ए को दो बार लिखना है, तो हम लिख दे रहे हैं थ्री माइनस टू फोर माइनस टू, थ्री माइनस टू फोर माइनस टू। अब k इंटू ए का वैल्यू थ्री माइनस टू फोर माइनस टू माइनस टू i का वैल्यू, अब i का वैल्यू क्या लें? आपको पिछला का वीडियो में बता दिया गया था कि आई एक यूनिट मैट्रिक्स होता है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उस वो सेकेंड ऑर्डर भी ले सकते हैं, थर्ड ऑर्डर का भी ले सकते हैं, फोर्थ ऑर्डर का भी ले सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। यहाँ ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का, तो मतलब आपको आई भी एक सेकेंड ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, इन है कि थर्ड ऑर्डर का ले लिए तो आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, एड नहीं कर पाएंगे। एड और कंपेयर या सब्सट्रैक्ट तभी कर पाते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर का होता है, यानी आई का जो वैल्यू हम लोग लेंगे सेकेंड ऑर्डर का। तो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, नाइन माइनस एट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस सिक्स प्लस फोर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ट्वेल्व माइनस एट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस एट प्लस फोर। अब आपका यहां आपका हो गया थ्री के माइनस टू के फोर के माइनस टू के, माइनस टू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो टू जीरो जीरो टू, सबका वैल्यू लिख दे रहे हैं, नाइन माइनस एट वन, माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस टू ट्वेल्व माइनस एट फोर, माइनस एट प्लस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करने का मतलब अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करिए, थ्री के माइनस टू माइनस टू के फोर के और माइनस टू के माइनस टू।
अब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। आप सबसे छोटा वाला लीजिए जिससे आपको के का वैल्यू तुरंत निकल जाए। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि माइनस टू वाला टर्म ये सबसे छोटा है और एक और है, इसमें हमको सॉल्व कम करना पड़ेगा, बाकी आप दूसरा भी ले सकते हैं। तो यहां से हम छोटा वाला कंपेयर कर रहे हैं, 4k इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू आपका 1 निकल गया। ध्यान रखिए कि k का वैल्यू निकालने के बाद आप पुट करके देख लें कि सारा एलिमेंट इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ये इक्वल हो रहा है और इसके लिए k का वैल्यू इक्वल नहीं हो रहा तो वो मैट्रिक्स तो ऐसा इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब k का वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करें, k का वैल्यू 1 रखें। तो k का वैल्यू 1 रखने पर 3 × 1 − 2, तो 3 − 2 = 1, आपको दिख रहा है कि ये भी इक्वल है k का वैल्यू 1 के लिए। k का वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो −2k − 2 × 1, तो −2 − 2 ये भी आपका इक्वल दिख रहा है। सिमिलरली यहां से निकाले ही थे, यहाँ k का वैल्यू 1 तो −2 − 2 तो −4। एक भी कोई गड़बड़ आ गया तो यहाँ हम लोग लिख देंगे k का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसमें एक तो हम लोग हड़बड़ी में निकाल लेते हैं और क्या करते हैं k का वैल्यू बता देते, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। जब निकाल ले k का वैल्यू तो सारे में पुट करके देख ले कि वो सबको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए k इक्वल टू 1 एकदम बढ़िया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर इतना इक्वल टू इतना दिया गया है। इधर आपको दो मैट्रिक्स दिया जिसका मल्टीप्लिकेशन दिया है, उधर एक तो मैट्रिक्स दिया हुआ है। आपको एडिशन के टाइम में भी इस टाइप का सवाल दिया गया था कि कंपेयर करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाले थे। यहां हम लोग भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2x के सामने में दिखेगा तो 2x माइनस 3y के सामने में दिखेगा तो −3y। पहला रो का काम पहले कॉलम के साथ हो गया, अब पहला रो इसमें दूसरा कॉलम है ही नहीं तो काम खत्म। अब दूसरे रो के पास जाएंगे, दूसरा रो आपका पहले कॉलम के पास गया तो 1 × x, x 1 × y तो y। अब दूसरा रो पहले कॉलम के पास चल गया, अब दूसरे रो के लिए कॉलम नहीं बचा तो यहीं से आपका मल्टीप्लिकेशन खत्म हो गया। तो आपको दिख रहा है दो इक्वेशन कि 2x − 3y का वैल्यू 2x − 3y का वैल्यू 1 और x + y का वैल्यू आपका 3। आप पढ़े ही हैं कि x और y का वैल्यू इक्वेशन से सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ −3y है, ये आपका +3y है, तो हम लोग ऐड कर दे रहे हैं और क्या करें कि दूसरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब ये आपका 3x हो गया और ये 2x, तो आपका ऐड करने पर 5x। ये −3y ये आप मल्टीप्लाई कर चुके तो ये +3y है, तो ये आपका कट गया। ये आपका 1 है और ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा तो 1 + 9 = 10, तो यहां से आपका x का वैल्यू 2 कैलकुलेट हुआ। अब क्या करें, x का वैल्यू किसी एक में रख दे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं दूसरे में पुट करते हैं। दूसरा आसान इक्वेशन है x + y = 3, तो x का वैल्यू 2 + y = 3, तो y = 2 उधर गया तो 3 − 2 = 1, तो आपका x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग यहां से मल्टीप्लाई करके और कंपेयर करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन है कि a का वैल्यू दिया हुआ है,
आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर का वैल्यू कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा। बहुत लोग सोच रहे हैं, सोच रहे होंगे कि मैं बहुत क्वेश्चन करा रहा हूं। ध्यान रखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना करिएगा मल्टीप्लीकेशन में उतना जल्दी आपसे कैलकुलेट होगा, नहीं तो एग्जाम के टाइम में ये होगा कि आपको आएगा लेकिन आप क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दो मिनट का बनने वाला होता उसको आप पांच मिनट छह मिनट लगा दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपका टाइम एग्जाम में कम बचेगा। जिसके लिए आपको हम क्या करें, कोशिश करें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बताने का, ताकि आप सीखें जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन बताएं टाइम पास करें, ऐसा नहीं है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, ताकि आप सवाल बनाए तो इरर ना हो, एक बार में सही हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर यहां चलते हैं। आपको दिया हुआ ए का वैल्यू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो प्रूव करना है ए स्क्वायर का वैल्यू। हाँ, सब में अल्फा ही है। चलिए ए स्क्वायर का मतलब ए को दो बार लिखना, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। फिर से एक बार ए को लिख दे क्योंकि दो स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आपको क्यूब का वैल्यू निकालना है ए क्यूब का, तो क्या करें, पहले से ए स्क्वायर निकाल ले जितना आएगा, फिर एक एक थो ए निकाल ले और फिर मल्टीप्लाई कर दे। अभी हमको ए क्यूब नहीं निकालना है, सिर्फ ए स्क्वायर निकालना, इसलिए हम लोग दो ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट रो का काम कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पास गया तो कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अगला आपका फर्स्ट रो का काम सेकेंड कॉलम के साथ, कॉस अल्फा साइन अल्फा के सामने में दिखेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो का काम फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब सेकेंड रो का काम सेकेंड कॉलम के साथ, माइनस साइन अल्फा सॉरी साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहां से आपका ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ध्यान रखिए आपको फॉर्मूला लगाना है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो कॉस टू अल्फा। सिमिलरली आप देखिए साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी तो अल्फा अल्फा तो साइन टू अल्फा। माइनस कॉमन लीजिए तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी या टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, आप जैसे समझे, ये आपका माइनस साइन टू अल्फा है। फिर यहां कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो आपका कॉस टू अल्फा। इस प्रकार आप ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल के शो कर दिए कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है कॉस टू अल्फा साइन टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। चलिए सब लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। आप क्या करें, समझने का कोशिश करिएगा, समझ में आए तो उसको एक बार घर में फिर से अपने से बनाइएगा, ताकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। बस मेरा मकसद यही है कि आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आए, उसके लिए हमको जितना भी क्वेश्चन बनाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका नंबर ज्यादा से ज्यादा आए।
एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन, तो प्रूव सो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ध्यान देखिए यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स का, और फंक्शन ऑफ वाई और फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम लोग फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई का वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं। तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया आपको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। थोड़ा स्पेस चाहिए। एफ ऑफ वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो, जीरो जीरो वन। अब आपको फंक्शन ऑफ वाई का वैल्यू चाहिए, तो ध्यान दीजिए कि एफ ऑफ एक्स जहां एक्स है तो सारे जगह आपका वैल्यू एक्स है। उसी प्रकार अगर आप नाम को रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू भी एक्स के एक्स जहां जहां एक्स है वहां आपका एक्स के वैल्यू के जगह वाई रिप्लेस हो जाएगा। फंक्शन ऑफ वाई का वैल्यू एक्स के लिए एक्स था तो वाई के लिए वाई, तो जहां यहां आपका इनडायरेक्ट वे में वाई का भी वैल्यू दे दिया कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, यहां एक्स था तो साइन एक्स था, वाई आ गया तो साइन वाई कॉस वाई जीरो और जीरो जीरो वन। मतलब आपको एक्स का अगर फंक्शन दिया रहे तो वाई का भी हम लोग फंक्शन लिख सकते हैं, बस जहां एक्स दिखे वहां एक्स को वाई से रिप्लेस कर देना और कुछ नहीं करना है। तो यहां से आपका फंक्शन ऑफ वाई का भी वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई और जीरो इंटू जीरो, तो आपका जीरो, जीरो लिख नहीं रहे ध्यान रखिएगा, स्पेस थोड़ा कम है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स साइन सॉरी कॉस साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस वाई और जीरो इंटू जीरो, तो जीरो हो गया। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉस एक्स जीरो के सामने दिखेगा जीरो, साइन एक्स जीरो के सामने दिखेगा जीरो, जीरो वन के सामने दिखेगा, तो आपका वैल्यू जीरो हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो साइन एक्स आपका कॉस वाई के सामने में, तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस साइन के सामने में दिखेगा कॉस एक्स साइन वाई और जीरो, जीरो के सामने में दिखेगा तो आपका जीरो। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के पास गया तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, उसके बाद कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस वाई, इसके बाद आपका साइन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन एक्स जीरो के सामने में, कॉस एक्स जीरो के सामने में और जीरो वन के सामने, तो यहां आपका जीरो हो गया।
अगला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जीरो कॉस वाई के सामने हम दिखा जीरो जीरो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया जीरो वन जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया जीरो। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम जीरो साइन के साथ मल्टीप्लाई हो गया जीरो जीरो कॉस वाई के साथ जीरो वन जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया जीरो। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम जीरो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया जीरो 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 के साथ मल्टीप्लाई हो गया जीरो वन वन के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहां आपका वन। तो आप देखें फिर से फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई का जो वैल्यू निकला कॉस ए कॉस फॉर्मूला यहां लगा दें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी एक्स प्लस वाई। सिमिलरली यहां माइनस कॉमन लीजिए माइनस कॉमन लेने के बाद साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी तो एक्स प्लस वाई उसके बाद आपको जीरो दिख ही रहा है। यहां फिर से फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी जीरो 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 वन। तो आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू सिर्फ एक्स में दिया था कॉस जहां कॉस था साइन था वाई में भी एफ ऑफ वाई का जो वैल्यू है बस एक्स के जगह वाई हो गया। और आप देख रहे होंगे को सॉल्व करने के बाद जहां एक्स दिख रहा था हम वाई रिप्लेस किए अब उस बनाने के बाद आपको दिख रहा होगा जहां एक्स था वहां एक्स प्लस वाई आ गया। पहले x और y का इंडिविजुअल फंक्शन था अब फंक्शन के जगह x के जगह आपका x प्लस वाई सब जगह दिख रहा होगा बाकी बात वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो हम लोग इसको f ऑफ x प्लस वाई लिख दें और यही आपका प्रूव दैट था। बात समझ में आ रहा है सबको? चलिए बहुत अच्छा। अगला हम लोग आपका टाइम भी बहुत फास्ट भाग रहा है पढ़ाने का मन था लेकिन टाइम को भी ध्यान रखना है। अगला है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसको नहीं पढ़ते यहीं हम लोग टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले क्लास मतलब अगला क्लास आपका मंगलवार मैं पहले बता दिया था मैंने पहले बता दिया था कि मेरा जो क्लास है वो मंगलवार गुरुवार और शनिवार ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 से 4 PM में इवनिंग में चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि क्लास आवर 1 घंटा मैक्सिमम हो उससे कम में ही समाप्त करने का। और आपके लिए अब जो होमवर्क है कि आप मल्टीप्लिकेशन पूरा कंप्लीट करके आए ताकि मैं अगला ट्रांसपोज आपको पढ़ा सकूं। ट्रांसपोज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं अगला क्लास आपको ट्रांसपोज करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। कल संडे है सारा क्लास बंद रहेगा तो कुछ बोलने के लिए कुछ है नहीं बस इतना ही। सबको इतना देर तक मेरे साथ लाइव रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास हम लोग मंगलवार को मिलते हैं। चलिए सब लोग एक बार कमेंट करिए जल्दी जल्दी एक दो एक जल्दी जल्दी सबको समझ में आ रहा था क्लास कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी। सब लोग को क्लास कैसा लग रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल मेरे अंदर का एनर्जी बना रहे और मैं आपको इसी तरह पढ़ाता रहूं और अपने आप को अपग्रेड करने का कोशिश कर रहा हूं करूं। चलिए सब लोग बहुत अच्छे से कमेंट करें किसी को प्रॉब्लम हो तो भी आप अगर किसी को अच्छा नहीं लगे तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बस आप कमेंट करते रहेंगे तो जिससे मेरा एनर्जी लेवल बहुत
बना रहेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। चलिए सबको धन्यवाद, सबको कमेंट करने के लिए धन्यवाद।